आप मुए मर गई दुनिया, उस पुरानी दुनिया से ताल्लुक खत्म, मर गए। जैसे कि पुरानी दुनिया खत्म हो गई तो दिखाया कि महाविनाश हुआ, महाप्रलय हुई, जल ही जल क्षीर सागर। फिर कौन आया? सागर में पीपल का पत्ता। ये पीपल का पत्ता कौन? हाँ, पहले पहले प्रकृति आई, प्रकृति, कृति मानी रचना, प्र माने प्रकृष्ट, भगवान की प्रकृष्ट रचना कौन? कौन? प्रकृति कहा गया। प्रकृष्ट रचना है जगदम्बा, लक्ष्मी नहीं, क्या लक्ष्मी क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी या कोई भी देवी इस सारी सृष्टि का विनाश कराने के निमित्त नहीं बनती। ये प्रकृति ही है जो विकराल रूप धारण करती है तो सारी सृष्टि का विनाश होता है। फिर वो सात्विक स्टेज पकड़ती है तो कौन सा रूप धारण करती है? हैं? सागर हो गया ज्ञान सागर नारायण, क्षीर सागर में रहने वाला, और उसमें पीपल का पत्ता, पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल का पत्ता हवा के थोड़े से झोंके से डोलता है जोर से, या बरगद का पत्ता डोलता है? हैं? बरगद का क्यों नहीं? क्योंकि उसकी डंडी मोटी होती है, पत्ता भी मोटा होता है, और वो वृक्ष तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। छोटा तो है, बरगद का बीज भी छोटा और पीपल का बीज भी छोटा, लेकिन अंतर क्या है? उसका पत्ता मजबूत, उसकी डंडी जो है, कौन सी डंडी? स्मृति रूपी डंडी मजबूत है। और पीपल का है? पीपल का पत्ता क्यों हिलता है? क्योंकि डंडी कमजोर है, उतनी मजबूत नहीं है, तो डोलता है। गायन भी है, उस नवैया का क्या गायन है? नवैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो शास्त्रकारों ने कैसी वंडरफुल बातें बनाई। ये पहली पहली रचना है, बहुत पावरफुल है, प्रकृष्ट रचना है। उस पत्ते पर कृष्ण आया, माना
पीपल का पत्ता नवैया और उस पर बिठैया कौन? कृष्ण की आत्मा बिठैया। नवैया इतनी हल्की, सागर इतना बड़ा, विषय सागर, कृष्ण बच्चा बड़े आराम से अपने पांव का अंगूठा चूसता हुआ गर्भ महल में पड़ा हुआ है, ऐसे दिखाते हैं। उन्होंने स्थूल रूप में पकड़ लिया, किन्होंने? शास्त्रकारों ने। है बेहद की बात, ये बाप ने समझाया है। श्री कृष्ण जो संपूर्ण फर्स्ट प्रिंस है, प्रिंस ऑफ विश्व, सो भी विश्व का यहाँ भारत को, विश्व यहाँ भारत को कहा जाता है। प्रिंस किसका हुआ? कृष्ण प्रिंस है। किसका प्रिंस है? भारत का प्रिंस है। भारत का प्रिंस क्यों कहा? भा माने रोशनी, रत माने लगा हुआ। जो अपने ब्राह्मण जीवन में सदैव इस बात में लगा हुआ, ज्ञान की रोशनी अर्जन करने में लगा हुआ, वो भारत का प्रिंस है। जब भारत में इनका राज्य होता है, किनका है? नारायण का। जब भारत में इनका राज्य होता है तो उनको कहा जाता है विश्व का मालिक, क्योंकि और तो उनके अलावा दुनिया में कोई हिटलर नेपोलियन विश्व का मालिक नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? नियम की बाहुबल से विश्व, क्योंकि ये जितने भी महत्वाकांक्षी हुए, सारी दुनिया पर राज्य करने के महत्वाकांक्षी, उन सब ने बाहुबल का आधार लिया, और भगवान बाहुबल नहीं सिखाते हैं, योग बल सिखाते हैं, हिंसा नहीं सिखाते। तो देखो, विश्व का मालिक एक, दो या एक? एक है। तो उसका नाम हुआ अद्वैत राज्य, कोई दूसरा राज्य नहीं, सिर्फ एक राज्य। तो अद्वैत होते हैं देवताएं, पीछे द्वैत हो जाते हैं। पीछे माने कब? द्वापर युग से द्वैत। क्यों? क्योंकि दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मताएं पैदा होती जाती हैं, अनेक प्रकार के धर्म हो जाते हैं। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को यही समझाना है और यही समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर के हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। इस शरीर में आकर के इस शरीर में आकर कोई शरीर है
जिस शरीर में आकर के बाबा राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ब्रह्मा के शरीर में नहीं पढ़ाई है, राजयोग की पढ़ाई ब्रह्मा के शरीर में नहीं पढ़ाई क्या? माँ का रूप था है, माँ का रूप था है, नहीं माँ का रूप तो था लेकिन राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ाई क्या? एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन राज की बात, जो राज की बात है वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं आती है, राज की बात बाप के द्वारा आती है। क्या राज है? हैं? राज है इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इंद्रिय जीत कैसे बनाया जाए, बना जाए, इंद्रिय जीते जगत जीत, और इंद्रियों में भी कौन सी इंद्रिय खास नहीं, काम जीते जगत जीत, काम इंद्रिय की बात है। उन्होंने तो स्थूल लड़ाई महाभारत की दिखाई दी, हिंसक लड़ाई है, कौन सी लड़ाई हुँ? हिंसक अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई है या माया की लड़ाई है? ये तो माया का युद्ध है, जो इस शरीर में आकर के बाप हम आत्माओं को पढ़ाए रहे हैं। देखो कितना अच्छी तरह निश्चय में बैठना चाहिए, अब बाप कहते हैं मैं भी अशरीरी हूँ और जो भी सुनाता हूँ सो भी धारणा आत्मा में करनी है, इसलिए अपन को आत्मा निश्चय कर धारण करो और फिर इस शरीर द्वारा सुनाओ। मैं भी ज्ञान का सागर हूँ। किसने कहा है? शिव बाप ने कहा। भी क्यों लगा दिया? शिव बाप जो बिंदु है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसने कहा मैं भी ज्ञान का सागर हूँ। तो भी तो तब लगाया जाता है जब कोई दूसरा भी हो, तो निराकार तो है ही, और निराकार के हाँ साथ निराकार जिसमें प्रवेश करता है वो भी प्रैक्टिकल में मास्टर ज्ञान सागर है। मास्टर माने प्रैक्टिकल, सागर धरणी के नजदीक रहता है या सूर्य नजदीक नजदीक रहता है? हैं? सागर धरणी के नजदीक रहता है, ये प्रवृत्ति है सागर और धरणी की। तो बताया मैं भी ज्ञान सागर हूँ, आज ये भी ज्ञान सागर है, मास्टर ज्ञान सागर। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ और न कोई बैठ करके शास्त्र पढ़ा है। जो भी बैठ कर पढ़ते हैं वो शास्त्र पढ़ते हैं, फिर बैठ करके दूसरों को सुनाते हैं। उनों की बुद्धि में ये होगा मैं आज वेद ग्रंथ गीता कोई पुस्तक की बात सुनाता हूँ, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ा हुआ है। और ये तो ऐसा नहीं है ना, ये तो खुद ही ज्ञान सागर है। हाँ
ये जरूर है कि जब कहते हैं कि मैं इन सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों को जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि इनमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इन वेद ग्रंथ शास्त्रों में, क्या लिखा हुआ है, गपोड़े लिखे हुए हैं। तुम्हारा पहले नंबर का शास्त्र है सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, क्या कहा तुम्हारा, मेरा नहीं, तुम्हारा माने किसका है, ये किससे बोला है, तो सन्मुख जितने बैठे हैं उन सबका शास्त्र है, सबने लिखा है, लिखा तो कोई एक ने होगा ना तुम्हारा, हाँ व्यास श्रीमद् भगवत भगवान, भगवान को तो कहा जाता है गतमति न्यारी, कहते जाते हैं हे ईश्वर हे बाबा, ऐसा है नहीं, ईश्वर नहीं भगवान नहीं, एक बाबा कहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रभु परमात्मा ये सब कहने से बाप है, इनसे वर्षा मिलना है, ये बात मनुष्य भूल जाते हैं। भगवान कहने से भी लवली बाप की प्रीति अनुभव नहीं होती है, क्योंकि हम क्रिएशन तो है ना, किसकी है, अरे क्रिएटर की क्रिएशन है ना, और क्रिएटर साकार होता है या निराकार, तो प्रीति किससे पैदा होती है, साकार से ही प्रीति पैदा होती है, साकार से ही शत्रुता पैदा होती है, बिंदी से न शत्रुता कहेंगे न मित्रता कहेंगे, तो बताओ किसकी क्रिएशन है, जरूर कहेंगे क्रिएटर की, तो बरोबर हम आत्माएं अभी जीव आत्मा बनी है क्रिएटर से, उसने क्रिएट किया है हमको, क्रिएटर कोई तो होगा ना, कौन बोला, तुम हरेक बच्चे तो क्रिएटर नहीं हो, क्रिएटर माना बाप, क्रिएटर बीज को कहा जाता है, बीज बाप को कहा जाता है, तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, देखो ये पुरुष हद का ब्रह्म है, ये हद का ब्रह्मा क्रिएटर है, कौन है, नहीं प्रजापिता हद का क्रिएटर, प्रजा 500-700 करोड़ फिर भी हद का क्रिएटर है, ये दादा लेखराज ब्रह्मा हद का क्रिएटर, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है वो ही इनको अपना बाप मानते हैं, कि सारी दुनिया मानेगी नहीं, ये क्या करते हैं, क्रिएटर क्या करते हैं, मुख से स्त्री को लेते हैं, ये मेरी स्त्री है, उसको कहा जाता है मेरी मुखवंशावली, उनको तो मुखवंशावली, अच्छा पीछे क्रिएटर बनते हैं उन द्वारा, देखो ये बाबा भी कहते हैं ये है मेरी मुखवंशावली, मैं इनसे क्रिएट करता हूं,
किनसे है? ये बाबा भी कहते हैं। कौन बाबा कहते हैं? ये मेरी मुखवंशावली है, मैं इनसे क्रिएट करता हूँ। किसको है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों चंद्रवंशियों को क्रिएट कौन करता है? ये बाबा भी कहते हैं। किसके लिए भी लगाया? ब्रह्मा के लिए भी लगाया। यह माने जिसके बाजू में शिव बैठा बोल रहा है, उसने बोला ये भी कहते हैं। ये मेरी मुखवंशावली है। कौन? चंद्रवंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, न कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वैसे ही पुरुष भी क्रिएटर हैं, उनको स्त्री तो चाहिए ना, नहीं तो क्रिएट कैसे करें? बाबा को भी कहते हैं मात पिता, चाहिए ना? माता कहां से ले आवे? तो इसमें प्रवेश करके अडॉप्ट करते हैं। इसमें प्रवेश करके ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्राह्मण वंशावली ब्राह्मण बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। फिर कहते हैं बरोबर, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी बाप इन द्वारा ब्रह्मा मुखवंशावली रचते हैं, तो ये माता हो गई। कौन? ब्रह्मा। किसके बच्चे बने हो? कहेंगे हम ईश्वर के बच्चे बने हैं ब्रह्मा द्वारा, यानी बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। स्त्री चाहिए ना? फिर ये स्त्री हो गई ना। कौन? ब्रह्मा। तो बाप समझाते हैं ये बहुत वंडरफुल चीज है। ये कोई साधु संत महात्माओं द्वारा शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। मैं सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों सारी दुनिया का राज जानता हूं, नहीं तो मुझे नालिश फुल क्यों कहें? कहते हैं ना नालिश फुल जान ही जाननहार। मनुष्य समझते हैं कि अंदर की बात जानने वाला है। एक तो कहते हैं अंदर की जानते हैं, जैसे थॉट रीडर्स होते हैं, तो ये लोग समझते हैं कि बाप शायद थॉट रीडर है। हम सभी के दिलियों की बात जानने वाला, इतनों का कैसे थॉट रीडर बन सकता है? बाबा कहते हैं ये भी तो मैं नहीं हूं। क्या? थॉट रीडर। थॉट रीडर मैं नहीं हूं, जो मुझे कहते हैं अंदर का जानने वाला। अरे नहीं नहीं, मैं तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए ये जो मेरा झाड़ है, मैं बीज ऊपर में हूं और ये उल्टा झाड़ है, और मैं जो बीज रूप हूं वो तो चैतन्य हूं ना।
ऊपर में जो बीज होता है उसकी क्या खासियत होती है, और झाड़ के नीचे जो बीज होता है जिससे झाड़ पैदा होता है, उस नीचे वाले बीज और ऊपर जा ऊपर वाले बीज की क्या खासियत, क्या अंतर होता है? हाँ, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और ऊपर वाला हाँ बना तो रहता है लेकिन झाड़ से कनेक्शन कट हो जाता है, फल पक जाता है। तो पके हुए फल में बीज अपने को झाड़ से डिटैच कर लेता है कि बुद्धि अटैच रहती है, हैं? बुद्धि डिटैच हो जाती है। अच्छा हैं? हैं? बाप का पता ही नहीं रहता ना। हाँ, तो बीज ऊपर वाला है, ऊपर वाला बीज है, उसका तो डिटैच हो चुका। हाँ, उसका फायदा उठा लिया नीचे वाले बीज ने, बाद वाले बच्चे फायदा उठाते हैं। अच्छा, ओम शांति। इस समय में पतित पावन चाहिए, जबकि सभी पतित हो जाते हैं। तो जैसे कि सभी मैसेंजर धर्म स्थापक अभी इस समय में कब्र दाखिल हैं, क्या काय में दाखिल हैं? मिट्टी में दबे हुए हैं। कौन सी मिट्टी में? देवान की मिट्टी में दबे हुए हैं। अच्छा, शिव बाप जिसमें आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में, वो देवान की मिट्टी में नहीं दबा हुआ है? वो भी है, पहले है देह अभिमान में, लेकिन जब बाप प्रवेश करते हैं तो उसकी बुद्धि मनन चिंतन मंथनशील बनती है या नहीं बनती है? उसे एक की ही बनती है कि सभी मनुष्यों की बनती है? एक की बनती है। इससे साबित होता है कि वो सूक्ष्म वतनवासी है, मन बुद्धि से सूक्ष्म स्टेज में रहता है, या साकार दुनिया में उसकी बुद्धि अड़ी पड़ी है, है? सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतनवासी पवित्र फरिश्ताएं होते हैं या पतित होते हैं? जब मनन चिंतनशील है, बुद्धि एकाग्र है, किसी ईश्वरीय वाक्य के मनन चिंतन मंथन में है, तो उसे पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? है, पावन कहेंगे। मन मत पर है या मनुष्यों की मत पर है या शास्त्रों की मत पर है तो पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? तो पतित कहेंगे। ईश्वर तो इस सृष्टि पर आकर जो भी बोलता है वो पावन वाणी है या पतित वाणी है? पावन वाणी है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन परमपिता परमात्मा जो एक सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला इस सृष्टि पर मौजूद है वो क्या है? कब्र दाखिल। कब्र दाखिल है, उसे कब्र दाखिल नहीं कहेंगे। अच्छा, जिसमें प्रवेश करता है
वो प्रजापिता कब्र दाखिल है या नहीं है? सदा काल है या कभी कभी है? हाँ, जिस समय शिव प्रवेश होकर के पार्ट बजाते हैं उस समय कब्र दाखिल नहीं कहेंगे। सदा बैल पर सवारी होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि बाप तो और बच्चों में भी प्रवेश करके कभी वाचा की पावर देते हैं, कभी दृष्टि की पावर देते हैं, कभी वाइब्रेशन की पावर देते हैं। सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, तो उनको एक में ही प्रवेश करके कार्य करना है सदैव कि और बच्चों को भी देखना है, और बच्चों को भी देखना होता है। तो है तो सभी पतित, सभी माना प्रजापिता को भी क्या कहेंगे? पतित ही कहेंगे। तो सभी को पावन करने वाला एक ठहरा ना, पतित की पहचान क्या होगी? है पतित की क्या पहचान? मन चिंतन जिसका नहीं चलना। हाँ, सभी ब्राह्मण इस बात का अनुभव करते हैं। जब विकारों में इंद्रियां चली जाती हैं, विकारी संबंध संसर्ग में आ जाती हैं, तो उस समय ज्ञान बुद्धि में ठहरता है? ज्ञान जैसे उड़ जाता है। इसे क्या साबित हुआ? कि पति ने, इसलिए पतित पावन सब एक ही नाम लेते हैं। जो भी हैं पतित पावन, सन्यासी भी ऐसे ही कहते हैं। तो ये समझने की बात ठहरी ना, ये भी तुम बच्चे समझते हो और तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया कि बरोबर इस समय में सारी दुनिया जर्जरी भूत तमो प्रधान है। जर्जरी भूत बुद्धि होगी तो मनन चिंतनशील होगी है? नहीं होगी। अच्छा, दुनिया के जो बड़े बड़े फिलॉसफर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी बुद्धि जर्जरी भूत है या नहीं है? जर्जरी भूत है। क्यों? वो मनन चिंतन मंथन किए बगैर हवाई जहाज बना लिया क्या? है ग्रह उपग्रह बना लेते हैं क्या? बना लेते हैं, एटम बम बना लेते हैं। तो उनकी बुद्धि जड़ भूत कहे या नहीं कहे? भगवान के बारे में जड़ बुद्धि है? भगवान के बारे में, भगवान को नहीं पाई जाते उस बात में जड़ बुद्धि। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है, तो उसकी बुद्धि तमो प्रधान कहेंगे या सतो प्रधान कहेंगे? जर्जरी भूत ही बुद्धि कहेंगे। ऐसे ही ये साइंटिस्ट हैं, फिलॉसफर्स हैं, बड़े बड़े उपन्यासकार हैं, बड़े बड़े शास्त्रकार हैं, भले व्यास भगवान ही क्यों न हो, उनकी बुद्धि को क्या कहेंगे? हैं? जर्जरी भूत कहेंगे, क्योंकि सत्य का चिंतन करते हैं या असत्य का चिंतन करते हैं? उनके चिंतन से दुनिया गड्ढे में जाती है या ऊंची स्टेज में 16 कला संपूर्ण की ओर जाती है? गड्ढे में जाती है। ये भी तुम बच्चे समझते हो और तुम
तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया कि दुनिया जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है, झाड़ पुराना हो गया है, उस झाड़ को बटके झाड़ का मिसाल देते हैं। जिसको बड़ा वृक्ष कहा जाता है, क्यों उसका मिसाल क्यों देते हैं? पीपल के वृक्ष का मिसाल क्यों नहीं देते है? बड़े वृक्ष का जड़ नीचे चले जाती है ना, फिर उससे फिर पेड़ हो जाती है। हाँ, सभी वृक्षों की जड़ नीचे ही जाती है, मुख्य बात है। और जो वृक्ष हैं, उनके पत्ते हिलने डुलने वाले होते हैं। पीपल का पत्ता सबसे जास्ती हिलने डुलने वाला होता है। पीपल पात सरिस मन डोला। और जो बड़ा वृक्ष है उसका पत्ता, उसकी पत्ते की डली मोटी होती है, वो इतना हिलता डुलता नहीं है। ये खास बात है। और वृक्षों में डालियां अनेक जड़ें नहीं प्राप्त करती है, और वट वृक्ष की डालियां अनेक जड़ें धारण कर लेती हैं। अंग्रेजी में बनियन ट्री कहते हैं। तुम देखेंगे ये झाड़ बहुत बड़ा होता है, काहे का बट वृक्ष। कलकत्ते में जाकर देखो, बहुत बड़ा झाड़ है। जो बुड्ढे बुड्ढे होते हैं तो मोटर में चढ़ करके चक्कर लगाते हैं उस झाड़ का, नहीं तो बेचारे थक जाएं। कोई आधा माइल हो जाते हैं चक्कर लगाने में।